सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपको भी आपके कैमरे में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, जब भी आप अपने कैमरे में फोटो क्लिक करने जाएंगे या फिर आप वीडियो शूटिंग करने जाएंगे, तो आपको एक एरर देखने को मिल जाता है, मेमोरी कार्ड राइट टू प्रोटेक्टेड। और साथ ही में आप इस वाले SD कार्ड को, जो कि इस वाले कैमरे के अंदर लगा हुआ है, उसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपको वहां पर भी सेम एरर देखने को मिल जाता है, मेमोरी कार्ड राइट टू प्रोटेक्टेड। ना आप उस वाले SD कार्ड को फॉर्मेट कर पाते हैं, ना ही क्लीन कर पाते हैं। बार बार आपको एक ही एरर शो करने लग जाता है, मेमोरी कार्ड राइट टू प्रोटेक्टेड, और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई, आखिर में इस वाली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या SD कार्ड में प्रॉब्लम है या फिर इस वाले कैमरे में प्रॉब्लम है? इसी चक्कर में मैंने 2-3 न्यू SD कार्ड ले लिया। मुझे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही थी। सिर्फ 5 सेकंड में आप इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इस वाले वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। और जिसे मैं प्रॉब्लम समझ रहा था और जिसे आप भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो आखिर में प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप SD कार्ड लेने जाएंगे मार्केट में, तो आपको आपके फोन के SD कार्ड के साथ आपको कुछ इस प्रकार का SD अडाप्टर देखने को मिल जाता है, या फिर आपका जो कैमरा होगा उसमें भी आपको इसी साइज का एक SD अडाप्टर देखने को मिल जाएगा। तो जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जिसे मैं भी प्रॉब्लम समझ रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक खास फीचर है इस वाले SD कार्ड का। सो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या इस वाले SD कार्ड का खास फीचर जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मेमोरी कार्ड इज राइट टू प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। जब भी आप यहाँ पे फोटो क्लिक करने जाएंगे, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फोटो क्लिक भी नहीं हो रही है। जब भी आप यहाँ पे वीडियो शूटिंग करने जाएंगे, तो यहाँ पे वीडियो शूटिंग भी नहीं हो रही है। एक ही यहाँ पे एरर आ रहा है, मेमोरी कार्ड इज राइट टू प्रोटेक्टेड। तो आपको इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने कैमरे को स्विच ऑफ करना होगा। मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कैमरे को ऑफ कर लिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंपली से अपने मेमोरी कार्ड को निकाल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने SD कार्ड को निकाल लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैं SD कार्ड यूज़ करता हूँ कैमरे में, वो एक SD अडाप्टर के थ्रू यूज़ करता हूँ। मतलब कि मेरे पास मेमोरी कार्ड जो है वो मोबाइल वाला है, मैं यहाँ पे उसे SD अडाप्टर के थ्रू यहाँ पे उसे एक कैमरे के मेमोरी कार्ड के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। यदि आपके पास भी यही वाला SD अडाप्टर है, या फिर आपके पास मेमोरी कार्ड भी होगा जो कैमरे में होता है इसी साइज का, तो भी आपको सेम प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। यदि आपके पास आपके कैमरे का भी SD कार्ड होगा, तो आपको यहाँ पे सेम इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको इस साइड में एक स्विच देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉक। यदि आप इसे इस साइड में पुश कर देंगे, तो अभी जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो अनलॉक हो चुका है। यदि आप इसे इस साइड में पुश कर देंगे, तो जो मेमोरी कार्ड है वो लॉक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके SD कार्ड में आपका जो भी कैमरे का SD कार्ड होगा, जिसे भी आप अपने कैमरे में लगा रहे होंगे, वो इस साइड में, यहाँ पे जो बटन होगी वो इस साइड में होगी। तो आपको यहाँ पे सिंपली से इसे इस साइड में पुश कर देना है, तो अभी जो आपका मेमोरी कार्ड है वो अनलॉक हो चुका है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि अभी भी हमें वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कैमरे को ऑन करूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा अभी कैमरा है वो प्रॉपरली ऑन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो फोटो भी क्लिक हो रही है, यहाँ पे हम वीडियो शूट करने जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वीडियो शूटिंग भी चालू हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे जो आपका मेमोरी कार्ड राइट टू प्रोटेक्टेड है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस, आप लोग इस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग इस वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आई होप कि आपको इस वाले वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।